महंगी वाली घड़ी उतार। नहीं दूंगा। अपनी जान की परवाह ना है तुझे, उससे ज्यादा प्यारी तुझे थारी घड़ी है, इसकी भी परवाह नहीं क्या? इनको बोलो छोड़े मैं। हीरो कहूं के मिस्टर नून, अरे तू तो सोने की मुर्गी है। भैया जी पुलिस आ रही है। चल बैठ दीजिए। अरे अरे लग जल्दी। प्लीज आप ऋत्विक को छोड़ दीजिए। अरे प्लीज। अरे ले जल्दी रख। पलक प्लीज जाओ यहाँ से। अरे जल्दी रख। प्लीज आप ऋत्विक को छोड़ दीजिए। प्लीज। ए अगर उसको कुछ खाना तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूँ। अरे ऋत्विक को ऐसे ले जाने नहीं दे सकती मैं। पता नहीं लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, उसको कहाँ लेके जाएंगे। आई हैव टू डू समथिंग। जिंदा क्या मर गया? नो इसकी तो सांसें चल रही है, गोली लगता है बाजू घुसू कर निकल गई। तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना भागने के लिए, तुम भागे क्यों नहीं? I was distracting them. क्यों नहीं भागे? तुम्हें छोड़ के नहीं पलक, कभी नहीं। तुम्हें भागना होगा। ऋत्विक भागो। ए, ए, रुक जा। ए, पलक। देखो देखो मैं शक्ल देख लिया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अरे तुझे तो मैंने पहले मार देना चाहिए था।
अच्छा काम आ रहा है तने। ए बसे भाई रुक जा, तुम जाओ यहाँ से। तू इसे बचा रहा या तुझे बचा रही? हम बीच में पिस रहे हैं? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे तंग आ गया, थक गया मैं थारी लव स्टोरी से। आगे ना बढ़िए, मैं ढेर कर दूंगा यहीं से। मैं आपको और पैसे ला के दूंगा, जितने जितने पैसे चाहिए मैं आपको और ला के दूंगा। ये इसको कुछ वो तो तू देगा, ये शांति से यहीं खड़े रहे। मैं यहीं खड़ा हूँ। दे मुझे पलक, दे दो उनको वायरलेस। पलक क्या कर रही हो तुम? प्लीज आप जल्दी आ जाइए लेक पे, ये गुंडे भी यहीं पे हैं, ऋत्विक भी यहीं पे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, सब यहीं पे हैं। पलक डोंट, पलक साइड पहुंच रहे हैं। अरे पुलिस आ रही, इसे छोड़, भाग यहां से। अमन प्लीज जल्दी चला, हम बहुत लेट हो रहे, प्लीज जल्दी चला ना। अरे यार अगर तुम लोग ऐसे टेंस्ड होगे तो कैसे चलेगा यार। आई एम टेंस्ड अमन, प्लीज यार प्लीज कुछ कर। पलक उठो, पलक पलक उठो, प्लीज प्लीज उठो, पलक पलक उठो, पलक पलक रोहित, एक बार पुलिस को फोन कर ले, ले मेरे पास फोन है। अरे ये ले। दे।
पलक, पलक प्लीज प्लीज। पलक, यू कांट गो। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। पागल हो क्या? ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, फॉर अ मोमेंट आई थॉट अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना पलक तो मैं मर जाता। यू गेट दैट? डोंट एवर डू दैट। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? रिक्की वहां नहीं है, उस तरफ है रोड के, चल। आर यू ओके? क्या हुआ तुझे? रिक्की उस तरफ है, लेक साइड पे, चलो। हाँ, वो पुलिस ने कहा था कि वो लोग ये कहीं पे होंगे ना। आर यू ओके? आर यू ओके? इतना घना जंगल ब्रो, और इट्स सो डार्क, स्कैरी, ऑब्वियसली ये किडनैपिंग। मुझे लगा मैंने ऋतिक को खो दिया। आई थॉट आई लॉस्ट हिम। फाइन, ही इज फाइन, ही इज फाइन। ऋत्विक, ऋत्विक, पलक, पलक।
रीवा प्लीज घर पे फोन करके बता दो कि सब कुछ ठीक है और रिक्की रोहित दोनों ठीक है, और प्लीज ये किडनैपिंग वगैरह की बात फिलहाल घर पे मत बताना। आई थिंक जब तक घर नहीं पहुंचना, लेट्स जस्ट कीप दीस थिंग्स टू आवरसेल्व्स। या पहले हॉस्पिटल चलते हैं, सेतु भी वहीं है। या चलो। चलो जी, बच्चों से मेरी बात हो गई, दे ऑन द वे बैक। आप लोगों को थोड़ी रेस्ट मिली कि नहीं, सोए फ्लाइट पे? काय का सोना ममता जी, पूरी ने दिल दुखा दिया। मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ओ ये पूरी भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता है। छठ विजय, तू ये सब सोच मत। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। यहाँ आके मुझे लग रहा है हम लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दिया वापस आने में। फिर कहना मतलब किएगा? आई अग्री कि रोहित के भाग के शादी करने का आइडिया गलत यार, लेकिन उसमें ऋत्विक की कोई गलती नहीं थी। रिकी बस रोहित को वापस लाने के लिए गया था। दादी सही कह रही है, पूरी अंकल को बात का पतंगड़ बनाने की आदत है। एग्जैक्टली, और रोहित और सेतु की शादी को तोड़कर उन्हें क्या मिला? I mean, dad उन्होंने बहुत गलत किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से रिकी और अनन्या का रिश्ता टूटे। अनू तो सारा नु पता है कि नहीं मिलता थे बाद और राजी हो जाती इस विवाह के बाद, और अनन्या से ज्यादा सही लड़की उसे नहीं मिलेगी। आई नो इट। यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ममता जी, मैं नहीं चाहता कि साडा मुंडा लाइफ में अकेला रह जाए। यार सीरियसली, हमारी फैमिली में सब फालतू में हाइपर होते हैं। की बकवास कर रहे हैं तू है? इट वाजंट सच अ बिग डील, हम लोग ये वहां से भी हैंडल कर सकते थे डैड, बट यू आल्सो नो कि वहां पे क्या हुआ है मेरे साथ। आपने खुद मुझे कहा, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी कुड हैव गॉन ऑन विद व्हाट वी वर डूइंग, दैट्स इट। और फैमिली जरूरी है या काम? एक्सक्यूज मी, रिश्ता आई टेक केयर। कॉफी पियो। ओके फाइन, मैं गुस्सा नहीं हूं मॉम, बट मुझे भी रिक्की की शादी की टेंशन है यार। कम ऑन पापा, है तुम्हें पता है विजय कितना टेंशन लेती है। हाँ ठीक है, मैं मना लूंगा, लेकिन कल सुबह। अब भी यार मॉम, कम ऑन यार, मेरी भी तो ईगो है। और यार मॉम, यू सॉ मैं कैसे तशन से निकला हूँ कॉन्वर्सेशन से बाहर। यार थोड़ा तो मेंटेन कर ले। मेरा बच्चा, चल प्लीज गिव मी द फोन बैक। 5 मिनट्स यार। तुम्हारे हाथ में फोन क्या कर रहा है? सुनाया का? एग्जैक्ट मॉम, ये मेरे फोन से ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इतनी रात को तुम किस किस से बात करते रहते हो? किस एक उसके फोन से बात भी क्यों कर रहा है? मॉम ने मेरा फोन कॉन्फिस्केट कर लिया, मैं क्या करूं? ऑब्वियसली पढ़ाई इनसे होती नहीं, रात रात को ये गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू बट नॉट कॉन्फिस्केट? चिल्ला, बच्चा है, कोई बात नहीं, जाओ यहां से। फोन देना प्लीज। अगर इस बच्चे ने एग्जाम में फेल होना ना, तो सोटी लेके मैंने इसके पीछे जाना है। मॉम, इसे ऋतिक कब आ रहा है? लकीली तुम दोनों को कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं है। मैं आपके फैमिली मेंबर्स को भेजता हूं। I'm so glad तुझे कुछ नहीं हुआ ऋत्विक। चलो, how are you feeling now? I'm good. क्योंकि डॉक्टर ने बोला है हम घर जा सकते हैं, so that's good news. भाई आपने डरा ही दिया था यार इतनी बुरी तरह, और पता है घर पे सारे कितने worried हैं, कुछ idea है life में? मामा और डैड को तो नहीं मालूम ना कि kidnapping के बारे में, बेकार में ही टेंशन हो जाएगी उन्हें। Dude, पता होना चाहिए, you mad or what? इतना कुछ हो गया उनको बताएंगे ना, छुपा नहीं सकते ना इसे। शादी को लेके सब परेशान है और गुस्से में है, और ये किडनैपिंग के बारे में पता चल जाएगा तो मॉम डैड मेरा खून कर देंगे। हाँ हमने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। अरे हाँ भाई, हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो कमिश्नर अंकल तो बता देंगे। अरे वो तो बता देंगे कि तुम लोग किडनैप हुए थे। कमिश्नर अंकल से मैंने बात की है, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक मेरे और सेतु की शादी नहीं हो जाती। हैंडल दिस है, हम लोग एडल्ट्स हैं, एंड आई एग्री विद हिम, क्योंकि This word itself is so dramatic, man. Mom, Dad. I mean, किसी के भी parents को ये पता चल गया तो बेकार की tension लेके बैठ जाएंगे यार। I'm all right. I'll be fine. Hey.
अब चलें प्लीज. फर्स्ट थिंग आई वांट टू गो होम एंड टेक अ शावर. या यू नीड वन. अच्छा मैं पलक को लेके आती हूँ. ओके गाइस चले फिर. चले. हे गर्ल यू ऑल राइट? यस लेट्स गो. सेतु तो I'm so happy, finally. तुमसे ज़्यादा खुशी ना मुझे. और ये खुशी मेरे सेतु के चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए.